बच्चा पढ़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1 का ए, बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल, टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 8 यानी 8 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो कहां जाएंगे, इंस्टाग्राम पर नहीं रे, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट। फिर भी कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आता है, सर में दर्द होता है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, क्या करना नहीं करना है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन जो है ना, सॉरी व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक अच्छे से हम गाइडिंग भी कर देंगे आपके लिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शुरू करें। तो लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट, लेट एस क्या है हमारे पास, सभी सेट का सेट है ना। आर बराबर है ए कॉमा बी, और ए है इसको क्या पढ़ते हैं भाई, इसी नहीं है, ए प्रॉपर सेट बी, ये क्या लिखा हुआ है, किसका साइन है, प्रॉपर सेट का, दैट इज ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, ये आगे भी लिख दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला है ना, बच्चा के लिए आसान काम किया है। तो शो दैट आर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो एक काम करते हैं, इस सबको हम तो बता दिए थे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है ना, बताए थे, लेकिन एक बार शॉर्ट में फिर बता देते हैं ना, ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जो यहाँ 9 के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सारा क्वेश्चन इसी के बेसिस पर रहता है। देखिए पहला नंबर क्या बताते हैं हम, रिफ्लेक्सिव, क्या बताए थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब इसको समझिए ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, तो ए और आर आपस में रिलेशन बनाएगा, सेम सेम रिलेशन है ना। दूसरा नंबर में क्या था हमारा, सिमेट्रिक, ध्यान से देखिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए थे, याद रखना है कि ऐसे करके मिरर बना लीजिए, और बोले थे क्या, इसमें अपना मुंह दिखाएंगे तो अपना ही मुंह दिखेगा, एक्स दिखेंगे तो एक्स, वाई दिखेंगे तो वाई, वन दिखेगा वन, जेड दिखेंगे तो जेड दिखाएगा, मतलब सेम सेम है ना। सिमेट्रिक में क्या बोले थे कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, अगर ये कंडीशन को फॉलो करते, ध्यान से देखो ये एक स्टेटमेंट की तरह इसको सोचिए है ना, मैथमेटिक क्या है, इट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की तरह सोचिए कि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा, मतलब सेम, मतलब इधर से जो इसके साथ रिलेशन में बनाएगा तो ये भी इसके साथ रिलेशन में होगा। इसके लिए क्या बोले थे, ई वाला जो बटरफ्लाई है इसको दिमाग बैठाना है कि जैसा इधर इसमें देखो, जैसा इधर रहता है वैसा इधर, इधर जितना मूंछ उधर इतना ही मूंछ बना हुआ रहता है ना, तो बटरफ्लाई याद करना, या नहीं तो सुनो यहाँ पर देखो ऐसे बना देती थे, दो आदमी है, दो लड़का है ना, ये इसका भाई है, तो हम इसको पूछेंगे कहाँ रे बुआ, ये तुम इसका भाई है, तो बोलेगा हाँ हाँ इसका भाई है, इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, किसका बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या बताए थे कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा है ना, एंड बी कॉमा सी रिलेशन में होगा, तो आपको चेक करना है कि पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ये सब स्टेटमेंट की तरह ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर है ए प्रॉपर सेट बी, तो यहां पर देखो ए प्रॉपर सेट बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए का सभी वैल्यू बी से आएगा, क्या होगा, ए का सभी वैल्यू बी से आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सेट भूल गए होगे, बी बराबर हमने लिए 1 2 3 4 लिया हमने, और ए बराबर इसी में से लिए 1 3 ले लिए और 4 ले लिए, तो ए का सभी वैल्यू किस में, बी में है, तो ए कहलाएगा प्रॉपर सेट बी है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम ए के बजाय हम इसमें पूरा भी ले सकते हैं, हाँ सर पूरा भी ले सकते हैं, तो इसको हम यहाँ इक्वल से दिखाना, मतलब ये हो गया सबसेट, ये क्या हो गया सबसेट, जिसमें इक्वल लगा रहेगा उसमें हम बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन जिसमें इक्वल नहीं लगा उसमें बराबर हम नहीं ले सकते हैं, तो जिसमें इक्वल का साइन नहीं रहेगा वो हो गया प्रॉपर सेट, और जिसमें इक्वल का साइन रह गया वो क्या हो गया हमारा सबसेट। समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है कि ए सबसेट बी होगा, तो ए का या तो कुछ एलिमेंट्स लेकर के सेट बनाइए या नया एलिमेंट लेकर के सेट बनाइए और क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा, कुछ एलिमेंट ले लो बी में से नया सेट बना दिया क्या कहलाएगा प्रॉपर सेट कहलाएगा। समझ आए, तो प्रॉपर सेट के और सबसेट में क्या याद रखना है, हमें पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं लेना है बी का, इतना याद रखो ठीक है ना। अब आ जाओ पहला नंबर इसका, सॉरी
यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी है, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है ना। देखिए यहां पर क्या कहता है, r बराबर आपके पास दिया हुआ है कितना, a कॉमा b है ना, और a प्रॉपर सेट है b का, ये a है। मतलब क्या हो गया कि a का सभी वैल्यू b से आएगा। तो पहला नंबर में क्या दिखाना है हमें, ट्रांजिटिव। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा था, दिखाइए कि यह ट्रांजिटिव होगा है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखिए, a कॉमा b रिलेशन में है एंड b कॉमा c रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं। अभी रिलेशन यहां पर क्या समझा, ये भाई है ना, ये दोनों आपस में कौन हो जाएगा, बाप बेटा भी हो सकता है, मामा मामी भी हो सकता है ना, चाचा चाची भी हो सकता है। अब ये रिलेशन कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि दो नंबर है, दो नंबर क्या है, इसमें प्रॉपर सेट लेना है। तब ट्रांजिटिव में यहां पर देखो कुछ नहीं करो, यहां पर से कैपिटल ए कैपिटल बी ले लिए यहां रिलेशन, एंड यहां पर कैपिटल बी कैपिटल सी रिलेशन है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें चेक करना है क्या a कॉमा c रिलेशन में है या नहीं, a कॉमा c रिलेशन में होगा या नहीं होगा। अब ये रिलेशन कैसा है सर, प्रॉपर सेट है, a प्रॉपर सेट b एंड b प्रॉपर सेट c, तो a प्रॉपर सेट c होगा या नहीं होगा, चलो चेक करते हैं। ये तो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे सर, a का वैल्यू b से आएगा, b का वैल्यू c से आएगा, तो a का वैल्यू क्या c से आएगा, तो हमको नहीं पता। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो पहले b बराबर ले लीजिए 1 2 3 है ना, और a बराबर एक, a का वैल्यू कहां से आएगा, b से, तो इसी में से ले लिए 1 2 ले लीजिए है ना। फिर c का वैल्यू क्या लेना है, c का वैल्यू कहां से आएगा, सॉरी b का वैल्यू कहां से आएगा, c से आएगा, 1 2 3 4 5 ले लीजिए है ना। अब देखो चेक करो, a प्रॉपर सेट b है ना, a का वैल्यू b से आएगा सभी वैल्यू है ना, b प्रॉपर सेट c, तो b का सभी वैल्यू c से आ रहा है, देखो 1 2 3 आ रहा है। अब a प्रॉपर सेट c, तो a का सभी वैल्यू c में होना चाहिए, क्या है, यस सर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज क्या, ट्रांजिटिव। समझ में आ गया, एक हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, यहां पर लिखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, नहीं होगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिख देंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताएं कि a कॉमा a सेम सेम नंबर होना चाहिए, तो a आपस में रिलेशन बनाएगा। अब यहां पर a कॉमा a रिलेशन में, b कैसा रिलेशन, तो प्रॉपर सेट का, तो a प्रॉपर सेट है। मतलब क्या समझा है, प्रॉपर सेट में कभी भी पूरा एलिमेंट हम इसमें नहीं ले सकते हैं, मतलब अगर पूरा एलिमेंट लें तो बराबर हो गया, इसमें प्रॉपर सेट में हम बराबर नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है, चलो ये इसका काम करते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहता है, नॉट सिमेट्रिक, तो यहां पर आप यहां से सिमेट्रिक लिखिए है ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला है कि a कॉमा b रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि क्या b कॉमा c भी रिलेशन में है या नहीं, अगर है तो सिमेट्रिक हो गया, सर b कॉमा c नहीं, b कॉमा a, यानी इसी को उल्टा देना है, आगे पीछे लिख देना है कैसा, तब यहां पर लिखे a कॉमा b क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर b कॉमा a रिलेशन, इसका मतलब क्या, कैसा रिलेशन, a प्रॉपर सेट b, तो b प्रॉपर सेट a, इसको क्या कह रहा है कि a का सभी वैल्यू b से आएगा, b में होगा, क्या b का सभी वैल्यू a में होगा, यहां चेक करो, a का सभी वैल्यू b में है, ये सही है, क्या b का सभी वैल्यू a में है, नहीं है, यही क्या कह रहा है, b का सभी वैल्यू a में नहीं है, इसको काट दीजिए, नॉट प्रॉपर हुआ, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बना है, कैसा, सिमेट्रिक नहीं बना है। तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सीमेट्रिक रिलेशन, यही प्रूफ करना था। समझ में आया, क्लियर है, इसका फोटो खींचिए। टेन नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट का सेट है इन अ प्लेन, प्लेन में
एंड ओ बी द ओरिजिन, ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, जीरो नहीं है जी, वो ओरिजिन है. तो कहता है कि शो दैट आर, मतलब रिलेशन आर पी कॉमा क्यू, जहां सच दैट पी क्यू बिलोंग्स करेगा ए से, एंड ओ पी बराबर कितना ओ क्यू इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में क्या समझाए थे, कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, इक्विवेलेंस. तो आ जाओ चेक करते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन है ना. आर बराबर जो रिलेशन दिया हुआ है कैसा दिया हुआ है, देखो पी कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू, और पी आर क्यू का वैल्यू कहां से आएगा, ए से आएगा. इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और ये कैसे काम करेगा, ओ पी बराबर ओ क्यू है ना. देखो क्या कहता है, एक प्लेन है, ये हो गया प्लेन, बहुत सारा पॉइंट सब है इसमें है ना, बहुत सारा पॉइंट सब है ना. और यहां पर मान लीजिए ये है आपके पास कौन सा, इधर से यहां पर है आपका, इसको छोड़िए यहां पर है ना, ये वाला पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हम मानते हैं ओरिजिन. ये क्या है हमारा पॉइंट, ओरिजिन. इधर हो गया कौन सा हमारा x, इधर हो गया y, इधर हो गया कौन सा z है ना, बहुत सारा पॉइंट सब है ना. क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो गया p है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया आपके पास कौन सा, क्यू हो गया है ना. ये सब जो दिया हुआ है, ये सब पॉइंट सब का भी नाम है, बहुत सारा पॉइंट सब है, हम इधर उधर पॉइंट सब को कर देते हैं, ठीक है ना. समझ में आ रहा है क्या कहता है, एक प्लेन में बहुत सारा पॉइंट है, सेट मतलब बहुत सारा पॉइंट होगा इसमें. अब कैसा है, पहला नंबर में हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव. तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे फोर रिफ्लेक्सिव, फोर रिफ्लेक्सिव. देखिए सिर्फ चेक करना है, आप क्या करते हैं ना, इसको मैथमेटिकली की तरह सोचने लगते हैं, नहीं इसको स्टेटमेंट की तरह सोचिए. क्या है रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला, क्या है, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा तो ए आपस में ही रिलेशन बनाएगा. अब ये ए, इसमें ए कॉमा है, और यहां पर क्या है रिलेशन, ओपी बराबर कितना ओ क्यू. तो यहां पर ए के जगह पर ओपी लिखिए, और यहां पर भी ओपी ही लिखेंगे. क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम सेम होता है. समझ में आ रहा है. अब यहां देखो कैसा रिलेशन है, यहां देखिए ऐड नहीं करना है, सम नहीं करना, क्या करना, इक्वल. तो दोनों को इक्वल कीजिए, तो सर ओपी बराबर ओपी, ये बराबर है हाँ. ओ से लेकर के पी का डिस्टेंस, यहां पर मान लीजिए ओ है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, दोनों बराबर ही होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं. तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये प्रूव हो गया. समझ में आ रहा. चलो दूसरा नंबर में क्या कहता है, क्या दिखना है हमको, सिमेट्रिक के लिए चेक करना. तो यहां लिखेंगे फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो, सॉरी एंड नहीं होता इसमें, तो हमें बी कॉमा ए भी हमारा क्या होगा, रिलेशन, ठीक है ना. अब देखो ए और बी की जगह पर क्या, ए की जगह ओपी, और बी की जगह पर कौन सा ओपी, यू क्यू रखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्वेश्चन कहता है. ओपी कॉमा कितना ओ क्यू, और रिलेशन यहां पर कितना, फिर ओ क्यू पहले और ओपी को बाद में लिख देंगे, बस इसी को उल्टा करके लिख देना, आगे पीछे लिख देना, ठीक है. अब ये रिलेशन कैसा है, इक्वल करना है दो को. देखो ओपी बराबर है ओ क्यू के, और तो यहां पर ओ क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ओपी के. अब यहां ध्यान से देखो, देखो ओपी बराबर है ओ क्यू के, क्या ओ क्यू बराबर होगा ओपी के, यस सर होगा. देखो ओपी बराबर है किसके, इसके, ओपी बराबर है किसके, ओ क्यू के, दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके, ये भी इसके बराबर होगा ना. इसको अब इसको हटाओ, इसको सोचो, यहां ओ और यहां पर पी है, तेरी बराबर, यहां 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 समझो, यहां देखो यहां पर है आपके पास ओ, और यहां एक पॉइंट है पी, और दूसरा मान लीजिए यहीं पर है आपके पास कौन सा, ये है क्यू, ये ओ है. देखो ये इसके बराबर, तो ये दोनों तो बराबर होगा, ये ओपी बराबर ओ क्यू के, तो ओ क्यू भी बराबर ओपी के हो जाएगा. इसमें सिंपल है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है. यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज क्या, सिमेट्रिक. समझ में आ रहा है, यह सिमेट्रिक है. आगे क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव, तीसरा नंबर. फोर किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला है, कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा एंड बी कॉमा सी रिलेशन में होगा, तो क्या पहला वाला आखिरी वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है. तो देखो
अब यहाँ पर क्या ए की जगह हम क्या रखेंगे ओपी और बी की जगह कितना ओ क्यू है ना, ये कहा क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड यहाँ देख यहाँ जो चीज है उसको यहाँ रखिए फिर ओ क्यू। अब सी नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और आर मान लेते हैं हम है ना, तो ये ओ क्यू कॉमा कितना ओ आर। तो हमें चेक करना है कि पहला वाला आखिरी वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना पहला वाला ओपी आखिरी वाला लास्ट वाला कौन सा है ओ आर। अब ये कैसा कैसा रिलेशन है तो सर इक्वल है, तो यहाँ पर ओपी बराबर किसके ओ क्यू के एंड ओ क्यू बराबर किसके ओ आर के, तो ओपी बराबर किसका ओ आर के होगा या नहीं होगा चलो चेक करते हैं। ओपी बराबर ओ क्यू के, ओ क्यू बराबर ओ आर के, इसके बारे में ध्यान से देखो तो क्या ओपी ओ क्यू के बराबर होगा। देखो यहाँ से ओपी बराबर इसके, ये इसके बराबर है ना, और ये वाला इसके बराबर, तो क्या ये इसके बराबर होगा? यस सर होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो हेंस यहां से क्या लिखेंगे गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, कैसा रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, यही प्रूव करना था। समझ में आया? बस आपको स्टेटमेंट के तरह सोचना है, अपने आप से सवाल करना है कि ओपी बराबर ओ क्यू के, ओ क्यू बराबर ओ आर के, क्या ओपी बराबर होगा ओ आर के, तो एक बार चेक करके देख लो। यस तो यस हो गया कहानी खत्म, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है ऑन द सेट एस, यानी एस कोई सेट है, किसका सेट है रियल नंबर का, डिफाइन इस प्रकार से रिलेशन आर बराबर ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए का वैल्यू बराबर भी होगा दोनों, दोनों वैल्यू बराबर भी हो सकता है और से छोटा भी हो सकता है, दोनों के लिए ये स्टेटमेंट है। तो शो दैट आर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलो इसको बारी बारी से देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहला काम, इधर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन है ना। जो पहले रिलेशन दिया उसको लिखिए, क्या कहता है ए कॉमा बी रिलेशन में होगा ए लेस देन बी है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए a less than b कहने का मतलब क्या हो गया, a less than equal to b कहने का मतलब, मतलब ये अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं और b का वैल्यू भी 1 लेते हैं तो 1 less than equal to 1, ये तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। अब बाकी सब स्टेटमेंट क्या होगा, इधर देखो a की तरफ मुंह बंद है तो इधर का वैल्यू छोटा ये का वैल्यू बड़ा, तो देखो 2 इधर 3, तब यहाँ पर इसको मत लगाओ, यहाँ 4 इधर 5, यहाँ 6 तो इधर 7, ऐसे लेना है। समझ में आ रहा है? जब एक एक बार इधर 10 तो इधर आप कितना 15 ले सकते हैं। मतलब क्या है कि जिधर मुंह बंद रहेगा वो वाला टर्म छोटा होगा, इधर मुंह फाड़े हुआ रहेगा वो वाला चीज बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो पहला हमें क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव, पहला हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव क्या यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा तो ए और आर ए के साथ रिलेशन। अब कैसा रिलेशन, अब चूंकि रियल नंबर का है तो इसमें आप देख लीजिए, लेट मान के चलिए ए बराबर 1 तो दोनों तरफ सेम सेम, तो 1,1 रिलेशन में होगा। कैसा रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू ए, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये सही है? यहाँ से सही है क्योंकि 1 और 1 आपस में क्या होगा बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, इसका काम खत्म है ना। दूसरा हमें चेक करना है क्या यह ट्रांजिटिव है या नहीं है, दिखाना है कि यह ट्रांजिटिव होगा, तो आ जाओ तो ट्रांजिटिव टी आई वी ई क्या लिख दिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा एंड बी कॉमा सी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो कि ए लेस देन बी है, यहाँ क्या करना है ए लेस देन इक्वल टू बी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी, ये यूज करना है। इससे पहले क्या था इक्वल यूज करना था है ना, एंड ए लेस देन इक्वल टू सी है ना। अब यहाँ पर से हमें क्या करना है, दिखाई नहीं दे रहा है ना एग्जैक्टली कि क्या ये सही है या नहीं है, तो कोई भी नंबर लेकर के इसमें पुट करके चेक करो। तो लेट ए बराबर हम मान लिए 1 है ना,
बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये दोनों के अकॉर्डिंग मानो। अब बोलोगे सर ए का वैल्यू 1 ले लिया, बी का वैल्यू -2 ले लिया, तब तो इसको तो वैल्यू नहीं करेगा। ए का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, 3 ले लिए है ना। अब बी का वैल्यू किसके, सी से छोटा, सी का वैल्यू क्या लेना है, बी से बड़ा, तो सी बराबर क्या मान लो, अब जैसे कुछ भी मान लो, 7, 8, 9 भी मान लो, 8 भी मान लो है ना। अब यहाँ पर चेक करो, इसमें पुट कर दो, 1 <= 3 कितना, 3 एंड यहाँ पर कितना है बी, बी के जगह पर कितना हम 3 देंगे, और यहाँ पर देखो सी, सी का वैल्यू कितना 8 एंड सॉरी यहाँ पर ये वाला साइन होता है, तो यहाँ देखो ए, ए के जगह पर क्या दिए हैं 1 है, और सी, सी का वैल्यू कितना है 8 एंड इक्वल का साइन हटा दो, क्योंकि 1 और 3 इक्वल तो होगा नहीं, ये सही है, 1 3 से छोटा, ए 3 क्या 8 से छोटा, ये सही है, तो 1 क्या 8 से छोटा है, यस सर है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव, बस हो गया। देखो आगे क्या चेक करना है, तीसरा नंबर में नॉट सिमेट्रिक है ना, देखो सिमेट्रिक, इसके लिए क्या फॉर्मूला, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, कैसा रिलेशन, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, तो बी लेस देन इक्वल टू ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1 माने हैं, तो यहाँ रखिए, अब बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखिए है ना, बी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ध्यान से देखो इक्वल नहीं लगाएं, कि यहाँ पर पूरा डिजिट तो पता चल रहा है ना, तो बराबर 1 है 3 बराबर नहीं हो, इसलिए इक्वल हटा दीजिए। देखो क्या बोले थे, इधर मुंह बंद रहेगा वो छोटा, इधर मुंह फाड़े रहेगा वो बड़ा, क्या 1 3 से बड़ा है, यस सर ये सही है, क्या 3 1 से छोटा है, नहीं सर ये तो गलत है, ये क्या होगा, ये गलत है, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, यहां लिखिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, यही प्रूव करना था, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर, यहां लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, अब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, एंड आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी का वैल्यू ए से आएगा, लेकिन बी बराबर क्या दिया हुआ, ए प्लस 1 है, तो शो दैट रिलेशन जो होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिट, मतलब तीनों को फॉलो नहीं करेगा है ना। तो पहले तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, रिलेशन के लिए क्या है इक्वेशन, बी बराबर ए प्लस 1, तो यहां पर लिखिए बी बराबर कितना, इधर से देखो ए प्लस 1 है ना, तो ए का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा बोलो, जितना भी इधर उसमें से 1 जोड़ दो तो यहाँ 2 निकलेगा, ए का वैल्यू हम क्या 2 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू 3 निकलेगा, ए का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, कहाँ से लेना है, इसी से लेना है, तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा 4 निकलेगा, ए का वैल्यू हम कितना 4 लेंगे तो बी का वैल्यू 5 निकलेगा, ए का वैल्यू 5 लेंगे तो बी का वैल्यू 6 निकलेगा, फिर b का वैल्यू कहाँ, सॉरी a का वैल्यू 6 लेंगे तो b का वैल्यू 7 निकलेगा है ना, फिर a का वैल्यू क्या 7 लेंगे, नहीं लेंगे 7, क्यों, क्योंकि a में 6 ही तक है, तो यहाँ पर इसके आगे नहीं लेंगे। अब आगे देखो a का वैल्यू 6 लिए हैं, क्या ये सही लिए हैं, तो चेक करो a का वैल्यू 6 तो b का वैल्यू 7, b का वैल्यू 7 a में है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो हम 6 भी नहीं ले सकते, कहाँ 5 तक ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो a का वैल्यू 1 तो b भी a से ही आना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है ना ए और बी दोनों का वैल्यू ए से आना चाहिए, देखो 2 है ठीक है, बी का वैल्यू 3 भी है, बी का वैल्यू 4 भी है, बी का वैल्यू 5 है इसमें, यस सर 6 भी है इसमें, 7 नहीं है, इसीलिए ए बराबर 6 नहीं लेंगे। तो रिलेशन कैसा है, ए कॉमा बी है, तो पहले ए का वैल्यू कितना, 1 पर क्या रिलेशन 2 मिला, 2 पर क्या मिला 3 मिला, 3 पर क्या मिला 4 मिला, 4 पर 5 मिला, 5 पर क्या मिला 6 मिला, और 6 पर 7 मिला, तो इसको ले नहीं सकते हैं, रिलेशन ये हुआ। अब हमें चेक करना है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल है, ए कॉमा ए रिलेशन में सेम सेम, जितना भी एलिमेंट होगा सबका सेम सेम होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, 3 3 है नहीं है, 4 4 है नहीं है, 6 6 है नहीं है, मतलब सर 1 1 रिलेशन में नहीं है, 2 2 भी नहीं है ना, 3 3 भी नहीं है, है ना, इसी प्रकार से कौन सा 6 6 भी नहीं है रिलेशन में, इसका मतलब
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी यहां पर आई है, ठीक है ना। एक तो हो गया पहला काम खत्म। दूसरा नंबर के लिए चेक करो, नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है देखो, दूसरा नंबर के लिए 1, 2 रिलेशन में है तो इसको उल्टा करके लिखो, 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। देखो 2, 1 है कहीं नहीं है, इसको काट दीजिए, इसका मतलब यहीं पर हो गया। अब देखो जैसे 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, नहीं है 3, 4 है, 4, 3 इसे को उल्टा वाला होना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं है उल्टा वाला, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। देख लो कितना ईजी है, कोई आपको लंबा चौड़ा आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, ना ही कैलकुलेशन है कुछ भी। अब क्या कहता है ट्रांजिटिव, तो 1, 2 रिलेशन में है तो आ जाओ, 1, 2 रिलेशन में है, आगे कौन सा यहां जो है उसको लिखेंगे, अब फिर यहां देखिए 3 भी है ना तो 2, 3 लिखिए रिलेशन में। तो हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रिलेशन में है या नहीं है, तो कहीं 1, 3 लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको काट दीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। तो ये वाला चैप्टर बच्चों आज यहीं पर समाप्त हो गया, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।